कश्मीर बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से भी आ रही है, जहां राजौरी में आतंकियों ने फायरिंग की। राजौरी में मस्जिद के बाहर जमकर गोली बरसाई गई, आतंकियों ने सैनिक के भाई को गोली मार दी। अब्दुल्ला रजाक नाम के शख्स का मर्डर किया गया है। अब्दुल्ला रजाक का भाई प्रादेशिक सेना का जवान है। आतंकियों की तलाश में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घाटी में अपनी कायराना करतूतों को आतंकी एक बार फिर से अंजाम दे रहे हैं। देखिए, इस समय मैं कुंडा गांव में हूं, जो कि शाहदरा शरीफ में है। यही वो इलाका है जहां पे कल देर शाम को जो मोहम्मद रजाक है, जैसे ही वो मस्जिद से बाहर आता है, आपने सही कहा कि 40 साल का ये युवक है, जैसे ही अपने मस्जिद से बाहर आता है अजान के बाद, तो आतंकवादी आकर इसे गोली मार के यहां से भाग जाते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि यहां पे कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूरी तरीके से इस एरिया की घेराबंदी की गई है। ये देखिए आप, मस्जिद है और यहां पे आप देख सकते हैं पूरी घेराबंदी की गई है। ये देखिए कि इसका जो एक भाई बताया जाता है कि वो एक टेरिटोरियल आर्मी में है, और ये दूसरी टारगेटेड किलिंग है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि एक जो बिहार का नॉन लोकल वेंडर था, जो कि काम कर रहा था बिजबिहारा के इलाके में, उसको भी गोली मारकर मार दिया गया था। क्योंकि इलेक्शन का वक्त है, तो कोशिश की जा रही है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को किसी तरीके से स्कटल किया जाए। कुछ लोगों की कोशिश है कि एक डर का माहौल क्रिएट किया जाए, क्योंकि पहले चरण का जो हमने देखा है कि जिस तरीके से इलेक्शन हुए, उसमें काफी लोग बाहर आए, कोई तकरीबन 70% के करीब जो है वोटिंग हुई है। तो वो चाहते नहीं है कि वोटिंग ज्यादा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले। ये इसी वजह है कि एक डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश। लेकिन आपको ये समझना होगा कि देखिए, ये पहली बार नहीं है कि जब मस्जिद से अजान के बाद या नमाज पढ़ने के बाद शख्स निकलता और मार दिया जाता है। ये उन लोगों को भी समझना होगा कि आपके वेलविशर नहीं है, जो इस्लाम के नाम पर देखिए एक मुसलमान को मार रहे हैं, तो वो ना ही वो मुसलमान हो सकते हैं, ना ही वो उनके खैर को हो सकते हैं। आप देखिए, इस इलाके में इस समय एक दहशत का माहौल है। आप कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन है, चप्पे चप्पे पर इस समय या तो एसओजी के जवान आपको नजर आएंगे या आपको आर्मी के जवान नजर आएंगे। पूरे तरीके से इलाके की घेराबंदी की गई है और इस समय तलाशी अभियान चल रहा है कि ताकि जल्दी से जल्दी जो शख्स इन्वॉल्व है टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज में, उनको पकड़ा जाए। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे सर्च चल रहा था। एक हेडमास्टर को भी पकड़ा गया था, हेडमास्टर जो कि पुंछ के इलाके में, जिसके पास से एक पिस्तौल और एक ग्रेनेड बरामद हुआ था। उसके अलावा इसी इलाके में एक हाइडआउट भी बस्ट हुआ था, जिसमें दो आईडी, यानी कि लगातार आतंकवादियों की कोशिश है कि ये जो बॉर्डर का इलाका है, रजौरी या पुंछ में, यहां पे हालात खराब किए जाएं।